नमस्कार साथियों, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 क्या है, फिर बात करेंगे इनर लाइन परमिट IELP क्या है, फिर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में बात करेंगे, और जो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 है यह किन किन राज्यों में प्रभावी होगा उन राज्यों को देखेंगे, और कानून को लेकर जो विवाद चल रहा है उसे भी देखेंगे, सरकार का क्या पक्ष है उसके बारे में भी बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग नेहरू लियाकत समझौते के बारे में और आगे की क्या राय है उसे भी देखेंगे हम लोग। तो बात करते हैं चर्चा का कारण क्यों रहा। अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम संशोधन कानून को लेकर देश के कुछ स्थानों विशेषकर पूर्वोत्तर भारत और राजधानी दिल्ली समेत विभिन्न शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून 12 दिसंबर 2019 से प्रभावी हो चुका है। यह कानून देश भर में बहस का मुद्दा बना हुआ है। ठीक, ये है क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता अधिनियम 1955 के कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए लाया गया है। इसमें नागरिकता प्रदान करने से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने का विकल्प खुल गया है। इस अधिनियम की मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं, क्या क्या है। 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आने वाले बांग्लादेश, पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाइयों को अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। याद रखिए इनमें मुस्लिम शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि उनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। विदित हो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नैसर्गिक नागरिकता के लिए अप्रवासी को तभी आवेदन करने की अनुमति है जब वह आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने से भारत में रह रहा हो, पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष तक भारत में रहा हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में इस अधिनियम में की अनुसूची 3 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष पूरे होने पर नागरिकता के पात्र हो सकें। नागरिकता संबंधी उपरोक्त प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, याद रखिए। इसके अलावा यह प्रावधान बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होंगे। ज्ञात हो कि इस क्षेत्रों में भारतीयों की यात्राओं को भी इनर लाइन परमिट के माध्यम से विनियमित किया जाता है। वर्तमान में परमिट व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में लागू है। अब बात करते हैं इनर लाइन परमिट होती क्या है। IELP इनर लाइन परमिट एक दस्तावेज है जिसे भारत सरकार अपने किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित अवधि की यात्रा के लिए अपने नागरिकों के लिए जारी करती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इनर लाइन परमिट कोई नया शब्द नहीं है। अंग्रेजों के शासन काल में सुरक्षा उपायों और स्थानीय जाति समूहों के संरक्षण के लिए वर्ष 1873 के रेगुलेशन में इसका प्रावधान किया गया था। औपचारिक भारत में वर्ष 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट में बितानी हितों को ध्यान में रखकर एक कदम उठाया गया था जिसे आज़ादी के बाद भारत सरकार ने कुछ बदलाव के साथ कायम रखा। फिलहाल पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू नहीं होता है। ठीक, गौरतलब है कि नागरिकता अधिनियम 1955 अवैध प्रवासी
प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया जिसने वैध पासपोर्ट या दस्तावेज, यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया हो। दूसरा, जो अपने निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक भारत में रह रहा हो, विदित हो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को उपयुक्त लाभ प्रदान करने के लिए इन्हें विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत भी छूट प्रदान करनी होगी, क्योंकि वर्ष 1920 का अधिनियम विदेशियों को अपने साथ पासपोर्ट रखने के लिए बाध्य करता है, जबकि 1946 का अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। नागरिकता की प्राप्ति। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। कुछ अपवादों जैसे राजनयिकों या शत्रु विदेशियों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। फिर दूसरा, वंश के आधार पर। 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति कतिपय अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसकी माता या पिता भारत का नागरिक था। पंजीकरण द्वारा। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है जिसने किसी भारतीय से विवाह किया हो। प्राकृतिक रूप से। केंद्र सरकार धारा 6 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है। इसके अलावा धारा 5 के तहत भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नवीन क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाए जाता है तो वहां की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, जैसे 1961 में गोवा को भारत में शामिल किया गया, किए जाने पर वहां की जनता को भारतीय नागरिकता स्वतः प्राप्त होती है। ठीक। फिर बात करते हैं अब हम लोग नागरिकता संशोधन कानून किस राज्य में कितना प्रभावी होगा। तो याद रखना, असम। राज्य में 3 स्वायत्त जिला परिषदें हैं जिनमें से 2 भौगोलिक रूप से मिलते हुए 6ठी अनुसूची के अंदर ये आते हैं। इनको छोड़कर यह कानून बाकी हिस्सों में प्रभावी होगा। फिर मेघालय। इस राज्य में 3 स्वायत्त जिला परिषदें, असम के विपरीत मेघालय में ADC लगभग पूरे राज्य को कवर करती है। केवल शिलांग का एक छोटा हिस्सा इसके दायरे में नहीं आता है। इस क्षेत्र में भी यह कानून लागू नहीं होगा। ठीक। फिर अरुणाचल प्रदेश। ILP के तहत नागरिकता संशोधन कानून के दायरे से दूर होगा। फिर आपका नागालैंड। राज्य में लाइन ऑफ परमिट की व्यवस्था है इसलिए यहाँ पर यह कानून लागू नहीं होगा। फिर मिजोरम। मिजोरम में यह कानून लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी ILP की व्यवस्था है। फिर आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में 1 ADC है जो 70% क्षेत्र को कवर करता है। यह लागू नहीं होगा कानून। हालांकि कुछ आबादी की 2/3 आबादी शेष 30% हिस्से में रहती है। इसका मतलब यह है कि यह कानून छोटे और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रभावी होगा। फिर आपका मणिपुर। संपूर्ण राज्य को ILP का संरक्षण है अतः यहाँ भी यह कानून लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग कानून का विवाद क्या है, कानून को लेकर विवाद क्यों है, इस विवाद वाली स्थिति को भी देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद की स्थिति देखी जा रही है जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। ठीक। इस अधिनियम में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर नागरिकता देने की बात तो कही गई, लेकिन पाकिस्तान के ही कई ऐसे मुस्लिम समुदाय जैसे कि सिया, बोहरा तथा अहमदिया हैं जो उत्पीड़न के साक्षर तो हैं लेकिन उन्हें भारतीय नागरिकता देने की बात नहीं की गई है। याद रखिए,
कई विधि विशेषज्ञों तथा विद्वानों का यह द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, क्योंकि यह धार्मिक आधार पर विभेद करता है जो सभी के लिए समानता के अधिकार के विपरीत है। उल्लेखनीय है कि भारत एक ऐसा देश है जो सर्वधर्म धर्म संभाव के सिद्धांत पर आगे बढ़ता है, लेकिन यह अधिनियम कहीं ना कहीं उसके इस विशेषता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है और प्रस्तावना में उल्लिखित धर्म निरपेक्षता को यह अधिनियम किसी न किसी रूप में खंडित करता है, क्योंकि धर्म निरपेक्षता का अर्थ ही है कि धर्म के आधार पर किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया जाएगा, जबकि इस अधिनियम में धर्म के आधार पर उत्पीड़न की बात की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है तो फिर किसी भी देश को की भौगोलिक सीमा से वह ऊपर की बात करता है। इस लिहाज से देखें तो भारत को सिर्फ तीन देशों ही नहीं बल्कि अपने सभी पड़ोसी देशों चीन, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान आदि के साथ भी अन्य देशों के उत्पीड़ित नागरिकों का भी ध्यान देना होगा, विशेषकर तमिल, रोहिंग्या आदि। विद्वानों को यह भी कहना है कि इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों की स्थिति को भी स्पष्ट नहीं किया गया, जबकि सबसे ज्यादा इस अधिनियम को लेकर असंतोष की भावना वही है। अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति को बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए बाहरी लोगों को विरोध कर रहे हैं, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम। सरकार विशेष राज्य तथा अनुसूचियों में उल्लिखित प्रावधानों का हवाला देकर इस अधिनियम की पोस्ट कर रही है, लेकिन उनके सामने स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। जानकारों का यह भी मानना है कि अधिनियम एनआरसी के उद्देश्यों के भी खिलाफ है, क्योंकि एनआरसी के तहत सरकार अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर करना चाहती है, चाहे वह किसी भी धर्म के हों। उनका तर्क है कि लोग भारतीय संसाधनों पर बोझ बढ़ा रहे हैं, वहीं इस अधिनियम के तहत एक बड़ी आबादी को नागरिकता देने की बात की जा रही है, जो सरकार के अपने ही वक्तव्य को अस्पष्ट करता है। विद्वानों का यह भी कहना है कि शोषित तथा उत्पीड़न लोगों को शरण देने अच्छी बात है, लेकिन यह उस स्थिति में अच्छा होता है जब देश के सभी नागरिकों को भरण पोषण अर्थात उनकी मूलभूत आवश्यकताएं अच्छी तरह से पूरी हो रही हैं। लेकिन देश के अपने ही नागरिक जब इन आवश्यकताओं से वंचित हों तो ऐसे आदर्श बातें करना थोड़ा असामंजस्य वाला होता है। अब सरकार के पक्ष की बात कर लें, सरकार क्या बोल रही है इसमें देखते हैं। सरकार का कहना है कि कानून किस उद्देश्य से लाया गया, यह अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्य स्पष्ट है। इसमें धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है। यह कानून हर तरह से के शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात नहीं कर रहा है। सरकार का कहना है कि धार्मिक रूप से सताए शरणार्थियों और अपने बेहतर जीवन निवास की सुविधा की आस में आए शरणार्थियों में अंतर है। भारत सरकार को विदेशियों को बाहर निकालने का असीमित और पूर्ण अधिकार है। संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो सरकार के इस अधिकार पर रोक लगाता। सरकार का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय नागरिकों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। सभी भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिसकी गारंटी भारतीय संविधान ने दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित नहीं करना नहीं है। 1995 में डेविड जॉन हॉपकिंग मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत सरकार के पास नागरिकता देने से मना करने की असीमित शक्ति है। सरकार बिना कारण बताए नागरिकता देने से मना कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने हंस मूलर ऑफ न्यूनबर्ग बनाम प्रेसिडेंसी जेल कलकत्ता मामले में 1955 में दिए फैसले में कहा था कि विदेशियों का मौलिक अधिकार सिर्फ अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार तक सीमित है। उन्हें अनुच्छेद 19(1)(घ) के तहत देश में कहीं भी बसने और रहने का मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। स्वतंत्र भारत ने
कभी शरणार्थी सम्मेलन रिफ्यूजी कन्वेंशन में हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन यह उसे शरणार्थियों को पना देने से नहीं रोकता। हमने फिर भी शरणार्थियों को आश्रय दिया है, लेकिन हमारी नीति ने हमेशा एक शरणार्थियों की अवैध प्रवासी से अलग रखा है। सरकार का कहना है कि अधिनियम में शामिल 3 देश ऐसे हैं जहां पर पहले ही मुसलमान मुसलमान बहुसंख्यक हैं और वहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनके मजहब को सम्मान से स्वीकारा जाता है, उन्हें इबादत के लिए रोका नहीं जाता है, उनके धार्मिक स्थलों पर किसी मजहब का खतरा नहीं मंडराता है, उनको जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो फिर आखिर उनको भारत में किस आधार पर जगह दी जाए? सरकार का यह भी कहना है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत समझौते का पालन नहीं किया है, जिसके कारण इस कानून की आवश्यकता पड़ी है। देखते हैं नेहरू लियाकत समझौता आखिर क्या है। 8 अप्रैल 1950 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ये समझौते दोनों देशों के बीच 6 दिनों तक चली लंबी बातचीत का नतीजा था। इसका लक्ष्य था कि अपनी सीमाओं के भीतर मौजूद अल्पसंख्यकों को पूरी तरह सुरक्षा और उनके अधिकार सुनिश्चित करना है। दोनों देश अपने अल्पसंख्यकों के साथ हुए व्यवहार के लिए जिम्मेदार होंगे। शरणार्थियों के पास अपनी जमीन जायदाद को बेचने निपटाने के लिए वापस जाने का अधिकार होगा। जबरन करवाए गए धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होंगे। अगवा महिलाओं को वापस करने उनके नाते रिश्तेदारों के हवाले किया जाएगा। दोनों देश अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे की राय क्या होगी। धर्म निरपेक्ष देश में सरकार की यह पहली प्राथमिकता होती है कि वह देश के सभी नागरिकों के हित की बात करे, ऐसी नीतियों का निर्माण करे जिससे कि देश के सुदूर गांव में रह रहे विशेष समुदाय के लोग भी इससे संतुष्ट हों। भारत को अपने वसुदेव कुटुंबकम तथा सर्वधर्म संभाव वाली संस्कृति बनाकर रखना होगा, जिससे वह अपनी सर्वोच्चता को बनाए रख सके। इसके अलावा देश के सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय के हों, उन्हें सरकार द्वारा बनाई जा रही नीतियों का सही व गहराई से अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि इस अधिनियम की सही बातों को जाना जा सके। इसके साथ ही सरकार का यह भी दायित्व है कि इस अधिनियम से संबंधित सभी प्रावधानों के बारीकियों को स्पष्ट करे, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति ना हो। ठीक है, तो ये था आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में जो भी कथन थे। ठीक है।